मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो इससे पहले आपने पढ़ा था धर्म लीला संग्रह, जो कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है वो एक रीज़न ये भी है कि जब भी आपके टीचर्स आपसे एग्ज़ाम लेंगे, कभी कुछ काम कर लेंगे, कभी टेस्ट पेपर देंगे, तो इससे रिलेटेड चीज़ों को जरूर से जरूर देंगे, चाहे वो आपका डेरिवेटिव भी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ये जरूर से जरूर आएगा। तो भरोली जो सिद्धांत है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ धारा रेखीय वेग के लिए ही, धारा रेखीय है, प्रवाह के लिए ही उपयोग में आता है। चाहिए धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही अपना उपयोग में आता है। दूसरी चीज जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये जो पूरा है ये होता है नियतांक, ये पूरा किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। यहाँ पी किसको शो करता है, दाब को, रो किसको शो करता है, घनत्व को, वी किसको शो करता है, वेग को, एच किसको शो करता है, ऊंचाई को, और जी शो करता है ध्रुवीय त्वरण को। यदि आपको दो चीजों के बीच में अंतराल याद करना होता है तो हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखते हैं, पी वन हाफ रो बी वन स्क्वायर रो जी एच वन बराबर पी टू प्लस हाफ रो बी टू का स्क्वायर रो जी एच टू। इस प्रकार से इसको हम निकालते हैं। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आप सारे बच्चे सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए बर्नौली प्रमेय की सीमाएं, फिर ऐड डाल दीजिए बर्नौली प्रमेय की सीमाएं। पहला लिखिए, यह प्रमेय आदेश आदर्श तरल के लिए सत्य है। यह प्रमेय आदर्श तरल के लिए सत्य है। सेकंड लिखिए, इसमें घर्षण में व्यय ऊर्जा को नगण्य नहीं माना जा सकता है, नगण्य नहीं माना जा सकता है। थर्ड लिखिए, यहां धारा रेखीय प्रवाह में नली की दीवार के संपर्क वाली सतह, नली की दीवार के संपर्क वाली सतह की परत का वेग शून्य तथा अक्षीय परत का वेग अधिकतम माना गया है। अब हम लिखते हैं बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग। हेडिंग डाल दीजिए बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग का मतलब ये है कि ये कहाँ पर यूज में आ रहा है, किस टाइप की नलियों में से कौन सी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। तो पहली हेडिंग इसके अंदर जो है वो डलेगी, क्षैतिज नली में द्रव का प्रवाह, क्षैतिज नली में द्रव का प्रवाह। अब क्षैतिज नली में द्रव का प्रवाह दिया हुआ है, तो देखिए इसके अंदर यदि एक अशांत तरल में, सॉरी अशांत व असंपीड्य द्रव
प्रवाहित हो तो बर्नौली सिद्धांत से। अब हम लिखते हैं इसमें बर्नौली सिद्धांत से क्या है वो देखते हैं। देखिए क्षैतिज नली दी हुई है, इसका मतलब जो नली की है ऊंचाई है वो कैसी है, सेम। जब हमको क्षैतिज नली दी थी तो इसका मतलब ऊंचाई कैसी है, सेम है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बर्नौली सिद्धांत से क्या होगा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर रो जी एच वन बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच वन। पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर रो जी एच टू। अब यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर रो जी एच बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच। रो जी एच से रो जी एच कैसे लिया, क्या बचा, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर बराबर पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या एक नियतांक है, क्या है एक नियतांक है। इसे नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम स्टेप्स लेंगे कि यदि a1 greater than a2 हो, यदि a1 greater than a2 हो तो आप जानते हो a1 b1 बराबर a2 b2 सातत्य समीकरण से। a1 b1 बराबर क्या होता है, a2 b2, अर्थात यदि a1 a2 से बड़ा होगा तो b1 b2 से छोटा होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हाफ रो b1 का स्क्वायर हाफ रो बी टू का स्क्वायर। नोट कर लो इसको, इसे नोट कर लो। ठीक है, अब यदि मैं इसको यहाँ पर रख दूँ, यदि मैं इसको समीकरण में रखूँ, ये बड़ा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी ये पूरा छोटा होगा ये पूरा बड़ा होगा। लिख रहा है ना, वन में लेस देन लगा हुआ है, पी वन लेस देन पी टू हो गया फिनिश। इसके नीचे एक लाइन लिखिए, अर्थात जहां नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जहां नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा वहां द्रव का वेग अधिक व दाब न्यून होगा। दाब कैसा होगा, न्यून होगा, कुछ हो जाएगा, इसके दाब कैसा हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना था। सेकंड लिखिए वेंचुरी प्रवाह मीटर, सेकंड है ये, नोट कर लिया आपने। सेकंड लिखिए वेंचुरी प्रवाह मीटर, किसी नली में बहने वाले द्रव की
ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद इसका डायग्राम बनाना होगा, मेरे साथ साथ बना लीजिए आप लोग डायग्राम। ये साइड है पी वन, दाब पी वन, मोटर जा रहा है इस टाइप से, देखिए इसको कैसे करना है। बर्नौली के सिद्धांत से यहां लिखेंगे, बर्नौली सिद्धांत से या बर्नौली समीकरण से, देखिए बर्नौली समीकरण लिखिए, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो G H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, यही होगा। अब यहां पर देखिए संतत समीकरण से क्या होता है, a1 b1 बराबर a2 b2, यहां से b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान आएगा a1 अपॉन a2 b1, ये मान बराबर 2gh बराबर b2 का स्क्वायर a1 अपॉन a2 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, यहां से b1 निकालना है आपको, तो देखिए निकाल लीजिए ऐसे 2gh बराबर b1 का स्क्वायर क्या बचता है, a1 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 1, तो b1 का स्क्वायर कितना आएगा 2gh अपॉन a1 अपॉन a2 का स्क्वायर माइनस 1। यदि रूट में निकालना चाहते हो तो इसको रूट में लिख दीजिए, बस ठीक है, कंप्लीट हो गया।